हमारी आलू की फसल स्वस्थ एवं सुंदर रहे उसके लिए हमें उसकी कोड़ाई एवं उसके रखरखाव में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। मेरी इस बात पर आप सोच रहे होंगे कि भला आलू को कैसे सजाया सवारा जा सकता है। बिल्कुल सजाया जा सकता है। खेत से आलू निकालने की परंपरागत तरीका यही है। हल्की एवं बलुई मिट्टी में आलू उखाड़ने के लिए हमें कांटेदार फावड़े का प्रयोग करना चाहिए। इससे मेहनत भी कम लगती है और कंदों के कट जाने की संभावना काफी कम हो जाती है। फावड़े की मदद से अगर आलू उखाड़ रहे हो तो उसे इस प्रकार चलाएं कि आलू नष्ट ना हो। अगर कूड़ों की जुताई करके आलू को उखाड़ा जाए तो सबसे कम नुकसान होता है। इसलिए छोटे किसानों को चाहिए कि अगर हल बैल का प्रयोग संभव है तो आलू उखाड़ने के लिए इसका प्रयोग करें। जिस भी यंत्र का प्रयोग किया जाए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उखाड़ते समय कंदों पर खरोच न लगे, उनके छिलकों को कोई नुकसान न पहुंचे और कंद कटे बिल्कुल नहीं। उखाड़ने के बाद कंदों को मिट्टी में से सावधानीपूर्वक चुनकर निकालना चाहिए। ध्यान रखें कि कंद मिट्टी के अंदर भी दबे हुए हो सकते हैं, इसलिए मिट्टी को उलट पलट कर हर छोटे बड़े कंदों को निकाल लें। कंदों को मिट्टी से निकालने के बाद उन्हें छोटे छोटे ढेर में फैलाकर सूखने के लिए खेत में ही एक दो दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे कंदों में जो अतिरिक्त नमी होती है वो सूख जाती है, छिलके कड़े हो जाते हैं और उन पर लगी मिट्टी भी सूख कर छूट जाती है। जिन किसानों को कोड़ाई के बाद आलू को खेत में छोड़ने की समस्या हो तो वे कोड़ाई के बाद सावधानीपूर्वक आलू को लाकर अपने आंगन में एक दो दिन तक धूप में सुखा सकते हैं। आलू के कंदों को उखाड़ने के तुरंत बाद बोरे में नहीं भरना चाहिए। एक दो दिन धूप में सुखाने के बाद कंदों को हवादार और छायादार जगह पर एक बड़े ढेर, लगभग 4-5 फीट ऊंची ढेर के रूप में इकट्ठा करके कम से कम एक हफ्ते या 10 दिन के लिए रखना चाहिए। इससे कंदों को हवा लगती है और उन पर लगे छोटे मोटे कट सूख कर भर जाते हैं, छिलके मोटे और कठोर हो जाते हैं और इससे आलू लंबे समय के भंडारण के लिए तैयार हो जाता है। हवा लगने के बाद आलू की छटाई और ग्रेडिंग करना चाहिए। छटाई के दौरान कटे फटे हरे रंग के और किसी भी प्रकार के दाग धब्बे वाले कंदों को छाट कर अलग कर देना चाहिए। साथ ही साथ आलू के आकार के आधार पर कंदों की ग्रेडिंग करनी चाहिए। मुख्य रूप से 3 श्रेणी बनाए जा सकते हैं। पहले बड़े बड़े आलू यानी 100 ग्राम या उससे अधिक के आलू, दूसरा मध्यम आकार के आलू यानी 60 से 80 ग्राम के आलू और तीसरा छोटे आलू यानी 40 से 50 ग्राम के आलू जो बीज के आकार के होते हैं। एक चौथा ग्रेड भी हो सकता है जिसमें बहुत छोटे छर्रे के आकार के आलू हो सकते हैं। ग्रेडिंग के बाद कंदों को ग्रेड के अनुसार अलग अलग बोरे में 50 किलो के समान वजन में भरकर बोरे को बंद कर दें। ध्यान रहे कि पिछली फसल के जिन बोरों में आलू का बीज रखा गया था उनका प्रयोग ताजे आलू रखने के लिए न करें, क्योंकि उनमें बीमारियों के जीवाणु हो सकते हैं। जूट के बोरे के अलावा आजकल नायलन के धागों से बने नाइलोनेट के बोरे भी आते हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं और बाजार तक ढुलाई के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन अगर भंडारण करना हो तो जूट के बोरे का प्रयोग करें।